नमस्कार, और जो बस कर आए हैं उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार और बहनों को भी नमस्कार। मैं आपका उम्मीदवार हूँ और ये मारा असाइनमेंट है नेताजी असिस्टेंट रितु नेता है कि मैं चल पीछे। और ये हमारे बॉडी गार्डन से नेताजी सिक्योरिटी गार्डन रितु बनते नेता। आइए आइए नेताजी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कितने नंबर से गाना चालू है? अरे स्थान ग्रहण करने की बात करे से यहाँ पे तो चारपाई भी चाहिए से। चारपाई नहीं नेताजी, यहाँ पे चेयर लगाई जाती है। चेयर? अरे ये चेयर मतलब क्या हो गया है? चारपाई नेताजी, छोटी चारपाई। अच्छा अच्छा, छोटी चारपाई, लेकिन इतनी छोटी चारपाई, इसमें तो मेरा बम भी ना समाए। चलिए नेताजी, आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। रे इंटरव्यू मतलब क्या हो गए है? साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। अच्छा अच्छा, साक्षात्कार। अरे चलिए नेताजी, आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म इंडिया में हुआ था। इंडिया में मतलब कौन से इलाके में? अरे भाई इलाका तो कुत्तों का होता है, हम तो इज्जतदार लोग हैं, हम तो गन में पैदा हुए थे। मेरा पूछने का मतलब ये नहीं नेताजी, आपका इलाके में मतलब कौन से इंडिया में हुआ था, मतलब कौन से इलाके में, कौन से घर में हुआ था? अरे भाई बेवकूफ है, ये दो चार दिन के बच्चों को थोड़ी ना पता होगा, उस टाइम तो मेरी आंखें भी बंद थी। चलिए नेताजी बोलो, आप कुछ जनरल नॉलेज हो जाए। अरे जनरल नॉलेज मतलब क्या हो गए? सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य। अच्छा अच्छा, सामान्य ज्ञान। चलिए नेताजी, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पर पहला कदम अम्बा स्ट्रांग ने। अम्बा स्ट्रांग नहीं नेताजी, आर्मस्ट्रांग। तू बन ले नेता, बन ले, चल पीछे। चलिए नेताजी ये बताए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे बेवकूफ भाई, वो एक टांग से लंगड़ी थोड़ी ना खेलने जाएगा, दूसरा कदम ही उसी ने रखा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेताजी आपका डेमोक्रेसी में क्या ख्याल है? अरे डेमोक्रेसी मतलब क्या हुए? प्रजातंत्र नेताजी। अच्छा अच्छा, प्रजातंत्र। तो सुनो, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। चलिए नेताजी, आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? भाई हमारी गवर्नमेंट तो राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? नहीं नहीं, वो राम भरोसे नहीं, ये राम भरोसे। भाई सारा काम तो ये करता है, हम तो सिर्फ अंगूठा लगाते है। चलिए नेताजी, पिछले महीने जो गांव में आग लगी थी उसमें आपका क्या योगदान है? भाई उसमें जो लोग मर गए थे उनको, उसमें जो लोग घायल हो गए थे उनको हॉस्पिटल शमशान घाट पहुंचाया था, और जो लोग मर गए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, उनको साइंटिस्ट लगवाए थे, और जो लोग घायल हो गए थे उनको 50-50 रुपए मुआवजा, और जो लोग मर गए थे उनको 10-10 रुपए मुआवजा कर दिया था। भाई इससे अच्छा था, इससे और इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। चलिए नेताजी बहुत हो गया अभी। आपका जनता, आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह तो जूता है, जूता सीधा खड़ा रहे। नेताजी पिछले महीने जो गांव में जो पिछले महीने जो महंगाई पड़ी थी उसमें आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हम अपनी पार्टी को यह संदेश देना चाहते हैं, हमें भारी बहुमतों से विजयी बनाए, जो दारू सेना माने, जो दारू सेना माने उसे कोड़ी पिलाए। चलिए नेताजी, आपने जनता के लिए क्या क्या किया है? क्या किया? बालों के सिवा क्या किया? भाई पिछले साल हमने कंबल बंटवाए थे। किसको? जनता को? नहीं नहीं, जानवरों को, गाय भैंसों को। आपको तो मतदान जनता करती है और कंबल जानवरों को पता है? अरे भाई उनको कंबल नहीं बंटवाते तो सर्दी से मर जाते बेचारे, दूध उनका ही तो पीते है। नेताजी पिछले महीने जो गांव में महंगाई बढ़ी थी उसमें आपका क्या योगदान है?
भाई कितने दिल से पका रहे हैं या डीजे ने लगा सके है। नेताजी स्टूडियो है, कोई बार क्लब नहीं। चलो यार अपना फोन दो। क्यों? हमें रामवती को फोन करना है। ये रामवती कौन है? हमारी गर्लफ्रेंड है। बदतमीज फोन रख। हेलो रामवती। गधे बदतमीज फोन रख। ओ ईटीवी पे देख, हमारा इंटरव्यू आ रहा है। कौन है बदतमीज? फोन रख अपना। हे गधे फोन रख जल्दी। हेलो यहाँ पे कौन? एक यहाँ पे गधा बैठा है। धन्यवाद।